फिल्म बाजीगर को हो गए 25 साल। अब्बास मस्तान की एक्शन थ्रिलर फिल्म बाजीगर ने 25 साल पूरे कर दिए हैं। फिल्म बाजीगर में मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी। ये तीनों ही एक्टर्स ने इन 25 सालों में बॉलीवुड में अपना कमाल दिखा दिया है। फिल्म बाजीगर की कहानी काफी ही अलग है, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान हमें एंटी हीरो के रूप में नजर आए थे और इस फिल्म के कारण शाहरुख खान का करियर ग्राफ ऊपर तक पहुंच गया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म के गाने आज तक भी सुने जाते हैं। तो आइए जानते हैं फिल्म बाजीगर के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप लोगों ने शायद ही कभी सुनी हो। नंबर 1, क्या आपको ये पता है कि फिल्म बाजीगर के लिए शाहरुख खान कभी भी पहली पसंद नहीं थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सबसे पहले सलमान खान को अप्रोच किया था, लेकिन उस समय सलमान खान एक फैमिली ड्रामा फिल्म हम आपके है कौन की शूटिंग में बिजी थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये नेगेटिव किरदार उनकी फिल्म पर असर दिखाएगा। उसके बाद ये फिल्म अनिल कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन अनिल कपूर ने भी इस एंटी हीरो के किरदार को निभाने से मना कर दिया, क्योंकि वे ऐसी नेगेटिव रोल्स नहीं करना चाहते थे। नंबर 2, शाहरुख खान ने की थी मदद अब्बास मस्तान की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने पूरी टीम की काफी मदद की, क्योंकि फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हो रही थी और शाहरुख खान खुद दिल्ली के ही है, जिस कारण शाहरुख ने फिल्म बनते समय काफी मदद की थी। नंबर 3, अभिनेत्री काजोल इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थी। अब्बास मस्तान ने इस फिल्म के लिए श्रीदेवी और जूही चावला जैसे सुपरस्टार्स को अप्रोच किया था, और वो भी प्रिया चोपड़ा के किरदार के लिए, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर इस किरदार में कोई बड़े कलाकार को नहीं देखना चाहते थे, जबकि काजोल ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था बेखुदी, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। अब्बास मस्तान को ये लग रहा था कि शायद काजोल ये रोल नहीं निभा पाए, क्योंकि वो काफी ही चुलबुली और जोशीली थी, लेकिन काजोल ने अपना किरदार काफी ही मैच्योरिटी और समझदारी से निभाया। नंबर 4, 1992 के दंगों के वजह से इस फिल्म की शूटिंग स्थगित हो गई थी। इस फिल्म का मुहूर्त शूट दिसंबर 1992 में हो गया था और आगे की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली थी। इस फिल्म के मेकर्स सारी शूटिंग जनवरी फरवरी 1993 में खत्म करना चाहते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के तोड़ने से भड़के दंगों के कारण फिल्म की शूटिंग मार्च 1993 के बाद ही शुरू हो पाई। फिल्म की सारी शूटिंग मई जून में समाप्त हो गई और अंततः फिल्म 12 नवंबर 1993 को रिलीज हो गई, दिवाली के अवसर पर। नंबर 5, ये फिल्म श्रद्धांजलि थी मनमोहन देसाई को। मस्तान कहते हैं कि वो और अब्बास दोनों ही मनमोहन देसाई के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते को काफी अहमियत दी गई है, जो मनमोहन देसाई का एक बहुत कामयाब फॉर्मूला था। नंबर 6, बाजीगर का किलिंग सीन ओरिजिनल नहीं था। कहा जाता है कि फिल्म बाजीगर एक अनऑफिशियल रीमेक है हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाइंग का, जबकि अब्बास मस्तान का कहना है कि दोनों ही फिल्म काफी ही अलग है। लेकिन इस फिल्म का एक बड़ा हिट सीन जहाँ पे शाहरुख शिल्पा शेट्टी को छत से फेंक देते हैं, इसी हॉलीवुड फिल्म के एक सीन से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में शाहरुख खान अजय शर्मा की भूमिका में नजर आते हैं और शिल्पा शेट्टी सीमा चोपड़ा के। नंबर 7, इस फिल्म के दो क्लाइमैक्स सीन्स हैं। प्रोड्यूसर अब्बास मस्तान काफी ही कंफ्यूज थे कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन क्या हो सकता है, और इसी कारण उन्होंने दो क्लाइमैक्स सीन शूट किए थे। एक क्लाइमैक्स सीन जिसमें शाहरुख अपनी माँ की गोदी में मर जाता है, और दूसरा क्लाइमैक्स सीन जहाँ पे शाहरुख को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब दोनों ही सीनों को अलग अलग देखा गया, तब फिल्म के मेकर्स ने ये निर्णय लिया कि फिल्म का क्लाइमैक्स वो होगा जब शाहरुख अपनी माता राखी गुलजार की गोदी में अपने प्राण छोड़ देते हैं। ये सीन भी बॉलीवुड में एक आइकॉनिक सीन है। नंबर 8, 12 नवंबर SRK का लकी डे। 12 नवंबर SRK के लिए लकी डे माना जाता है, क्योंकि ये फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हुई थी और 11 साल बाद फिल्म वीर जरा, जो उसी दिन रिलीज हुई थी और उस दिन दिवाली भी थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। नंबर 10, फिल्म बाजीगर रिलीज हुई थी 3 अन्य फिल्मों के साथ अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर की बेदर्दी, जितेंद्र मौसमी चैटर्जी, दीपक तिजोरी की फिल्म संतान, अविनाश वाधवन, सिद्धार्थ, शिल्पा शिरोडकर की फिल्म परवाने। हालांकि ये तीनों भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गए, लेकिन बाजीगर तो बाजीगर ही था और ये बॉक्स ऑफिस पर काफी ही धूम मचा दी। हमें यही उम्मीद है कि आप भी बाजीगर की इस फिल्म को एक और बार देखकर
उस फिल्म की यादों को ताजा करें। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।